दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। प्रचार पर तो फिलहाल आचार संहिता की कैंची चल चुकी है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी 28 लाख रुपए से अधिक खर्च करेगा उस पर चुनाव आयोग का डंडा चलना तय है। यहां तक कि प्रत्याशी की उम्मीदवारी भी जा सकती है। आचार संहिता लगने के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह ने कहा कि सभी प्रत्याशियों को 28 लाख रुपए के खर्च सीमा में बांधा गया है। इससे ऊपर खर्च करने वाले प्रत्याशियों की उम्मीदवारी तक जा सकती है। सभी 11 जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों की भी मीटिंग ली गई और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित निर्देश दिए जा चुके हैं। सरकारी और सार्वजनिक भवनों पर चुनाव पर प्रभाव डालने वाले सामग्रियों को हटाने के लिए टाइम बाउंड किया गया है। सोशल मीडिया से कहा गया है कि वो अपने साइटों से सीएम सहित राजनीतिक नेताओं के फोटो तत्काल हटा लें। डॉक्टर रणवीर सिंह ने चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक ली और उन्हें चुनाव से संबंधित जानकारी देने के साथ ही आचार संहिता का पालन करने को कहा। आपको बता दें, दिल्ली में 7वीं विधानसभा का चुनाव 8 फरवरी को होना है और 11 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।